I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. ये समारा बहुत बुरा है बेटी। ये तुझे जीने नहीं देगा। इसे तो सीता माँ को नहीं बख्शा। और तू तो बेटी। काजल, माँ, कट जाएगी ज़िंदगी उनकी यादों के सहारे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती माँ जी। मुझे उनकी यादों से तो अलग न करो। नहीं तो मैं मर जाऊंगी माँ जी। मैं मर जाऊंगी। बस कर। जब भी मैं तुझे इस सफेद लिबास में देखती तो मुझे अपने को क्यों जा जाने का एहसास होता है। अगर मैं तिलकिल मर के जी रही हूं तो तेरी खातिर, लेकिन मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रहूंगी। और आज ये लड़का आया है अपना सब कुछ छोड़कर, सारी दुनिया से बगावत करके तेरी दुनिया आबाद करने, और तू कह रही है कि तू ये शादी नहीं करेगी। तुझे ये शादी करनी होगी मेरी खातिर, मेरी ममता की खातिर। अगर तू ये शादी नहीं करेगी तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगी। राजा आगे बढ़, इससे पहले कि ये समाज अपने खिदे पिटे रीत रिवाजों से कोई रुकावट डाले, भर दे इस मासूम की मांग। मैं कहती हूँ बेटा, भर दे इसकी मांग। पहला और आखिरी प्यार हो काजल। ना तुमसे पहले मैंने किसे मोहब्बत की है और ना तुम्हारे बात करूंगा। जिंदगी का हर एक पल तुम्हारा है। मैंने अपने अपने दिल की हर एक धड़कन तुम्हारे नाम कर दी है। मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में किसी और की यादों का बसेरा है। ये स्वागत सिर्फ दो जिस्मों का ही नहीं, दो आत्माओं का मिलन होती है। और जब तक मैं तुम्हारे दिल में अपनी चाहत के रंग ना भर दूं, मैं तुम्हें छूऊंगा तक नहीं। कैसे लगे हमारे बाप? अरे मोटे, छोड़ ना यार, काय को तंग करते गरीब आदमी को। गरीब आदमी, गरीब की सूरत तो देखो, सुभान अल्लाह। ए हाथ नहीं लगाना, अब हम घर घर श्री वाले हो गए। अब तो मेरी एक बीवी है, माँ है, दुनिया में सबसे अच्छी माँ। अब उनके लिए कुछ कमाना भी तो पड़ेगा ना। अरे यार, तुम लोग तो जानते ही हो मुझे कुछ काम काज तो आता ही नहीं। अरे यार, मेरा मतलब है कि अगर... मतलब छोड़ यार, मैं बोलता मैन, मेरे डैडी का एक गैराज है जो कब से बंद पड़ेला है, हम सब फ्रेंड लोग मिलकर उसे खोलते हैं। जान मेरी, पहले हम गाड़ी तोड़ा करते थे, अब जोड़ेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे मेरा बेटा।
सुनिए, 4 चम्मच भर कर डालिए चीनी। वो तो लग रहा है। अरे कोई लॉटरी लग गई है क्या तेरी? मेरी लॉटरी तो तू है माँ। ये देख 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 तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कैसा लगता हूँ? माँ मेरी ये साड़ी वगैरह में चॉइस तो है नहीं, तो जैसी मिली वैसी ले आया। और ये मेरी पहली कमाई। तेरी पहली कमाई मेरे लिए? मेरी पहली कमाई मेरी प्यारी सी माँ के लिए। तूने माँ की उजड़ी हुई गोद भर दी है मेरे लाल। भगवान तेरी कमाई को बरकत दे। बस माँ तू उसी तरह सर पे हाथ रख कर आशीर्वाद दिए जा, और फिर देखना तेरा बेटा जमाने भर की खुशियां लाकर तेरे कदमों में डाल देगा। शर्मा जी। धीरेन्द्र प्रताप जी आप? आइए आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। शहर आया था, सोचा कि आपसे मिलता चलो, आखिर आप हमारे खानदान के पुराने सॉलिसिटर जो ठहरे। शुक्रिया इस गरीब को याद किया। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? शर्मा जी ऐसा लगता है अब तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हाई कोर्ट ने लक्ष्मी देवी के उस वसीयतनामे को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी आधी जायदाद मेरे बेटे के नाम लिख दी थी। अब मेरा बेटा तो रहा नहीं और दूसरा कोई वाली वारिस भी नहीं बचा है। अब सारी जायदाद मेरे नाम करने में आपकी सरकार को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है। दरअसल बात यह है धीरेन्द्र जी कि अदालत का सारा कारोबार सबूत पर चलता है और आज तक लक्ष्मी देवी, रवि और काजल की लाशें बरामद नहीं हुई है। यानी आप यह चाहते हैं कि मैं उन तीनों की लाशों को ढोकर अदालत के सामने पेश करूं? और अब तक तो उन लाशों को चील कौवे भी खा चुके होंगे शर्मा जी। आप ठीक कहते हैं लेकिन सरकार को तो सबूत चाहिए। अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो मर गए हैं तो अदालत के पास क्या सबूत है कि वो जिंदा है? सबूत सबूत तो एक है, कुछ कच्चा पक्का सा। शर्मा जी जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे हैं आप। आप मुझे गलत ना समझें। ये देखिए लक्ष्मी देवी ने अपनी मौत से पहले एक नई वसीयत तैयार की थी जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी बहू और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी है। ये तो नकल है, असली कागजात तो अदालत में जमा है और अगर 6 महीने तक कोई सबूत नहीं मिला तो सरकार सारी जायदाद जब्त कर लेगी। आधी बात तो आपने बता दी शर्मा जी। और आधी आप पता कर लीजिए। सॉलिसिटर है शर्मा, तुम्हारा काम है शर्मा के सर पर चील की निगाह बनकर मंडराना। वो कहां जाता है, किस किस से मिलता है, हमारा मकसद पूरा करने के लिए शायद तुम्हें लाशों के ढेर लगाने पड़े, बदले में हम तुम्हारे सामने नोटों के ढेर लगा देंगे। पेशगी
अब आएला बाप गाड़ी कब की ठीक खड़े ली। लाला ड्राइव मार के आता। स्टार्टिंग में लफड़ा है थोड़ा। बरोबर चेक कर ला है। हाँ चेक कर जाता हूँ अभी। अरे राजे वो जाते हुए थिएटर देख लेना। ओके भाभी जी मैं डैनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो डैनी। राजा भैया जीप लेके निकले थे उनका उनका एक्सीडेंट हो गया है। काजल काजल कहाँ जा रही है बेटी क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब ये पट्टी वट्टी मत लगाइए मेरी माँ परेशान हो जाएगी। आप तो बच्चों की तरह कर रहे हैं फिक्र मत कीजिए। अरे मैं तो नौजवान हूँ मेरी माँ जरा छोटी सी है जरा आराम से। अरे काजल काजल मैं बिल्कुल ठीक हूँ काजल काजल मैं ठीक हूँ। चलो काजल क्या हुआ था कहाँ चली गई थी बिना बताए? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? पूछे ना इनसे खबर लीजिए इनकी। अब बताइए कहाँ गई थी आप क्या हुआ था? हाँ बेटी बेटी कुछ अरे ये पट्टी कैसे लगी हुई है क्या हुआ? अरे माँ अब तू शुरू हो गई। कुछ नहीं हुआ छोटी सी खराश आई है। वो क्या है ना कि अब मैं जीप में जा रहा था। हाँ। अब मैं जा रहा था तो जा रहा था और यूं ही जाते जाते थोड़ी सी ब्रेक फेल हो गई। क्या तेरे चोट तो नहीं गई? अरे तो माँ कुछ नहीं हुआ देखो ना आपके सामने खड़ा हूँ हट्टा कट्टा वन पीस देखो ये कान नाक आँख सब बराबर है। उसने भी मेरी बात नहीं सुनी चली गई। तभी उस तरह भाग के चली गई थी। हाय हाय मेरी तो जान निकल गई थी। बेचारी ने कुछ खाया पिया भी नहीं है उसका व्रत है आज। व्रत? आज करवा चौथ है बुद्धूराम तुझे नहीं पता? तुम औरतों का भी अजीब है। अच्छे भले आदमी को देवता बना देती हो। देखा काजल मैंने आज तुम्हें पाई लिया। हाँ राजू। क्या कहा? राजू एक बार फिर से कहो मुझे आज तक किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा। राजू 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 For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.